अभी यहाँ पे भीड़ काफी ज्यादा है बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि पार्टियां हैं उनके तरफ से जनाब मियां अल्ताफ साहब ने आज अपना नॉमिनेशन पेपर जो है वो डीसी साहब को सबमिट किए हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस इलेक्शन में तमाम पार्टियों के ताउन से मियां साहब जो हैं एक अच्छी कामयाबी इस इलेक्शन में हासिल करेंगे। मैं खासकर तंजीम के सदर जनाब फारूक साहब के तरफ से मीर साहब का शुक्रगुजार हूं जो खास दिल्ली से अपनी बाकी जिम्मेदारियां छोड़ के यहां आए हैं ताकि जब मियां साहब अपने कागज़ सबमिट करें तो इनकी भी प्रेजेंस यहां पे बहुत ज़रूरी थी और ये आए जिसके लिए हम इनका शुक्रगुजार हैं। इसमें कौन सी हैरानी की बात है, हमें तो पहले ही मालूम था वो मैदान में नहीं होंगे। वो जब डोडा से मैदान में नहीं थे तो अनंतनाग से मैदान में कहाँ उतरेंगे। अब उन्होंने शायद अपना कोई उम्मीदवार जो है दिखाने के लिए मैदान में उतारा हुआ है, अच्छी बात है। कहाँ तक उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन हासिल होगा वो आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बीजेपी दिन है देखिए ना, अभी 24 घंटे हैं, क्या पता 24 घंटे में कोई जादू करके उनको कोई मिल जाए। जहाँ तक होम मिनिस्टर साहब का ये बयान है, गन कल्चर कहाँ से आया वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। इस गन कल्चर का जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस शिकार रही है और कोई जमात नहीं रही है। 3,000-4,000 से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वर्कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्स लेजिस्लेटर जो है इस बंदूक के शिकार हुए। अगर होम मिनिस्टर साहब को इनकी कुर्बानी नजर नहीं आती या होम मिनिस्टर साहब इन सब लोगों की कुर्बानियों को नजरअंदाज करना चाहते हैं तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता, अफसोस की बात है।